और उसके बाद मैं उन व्यक्तियों का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने इस सहयोग आंदोलन में भाग लिया है और अपने किसानों के लिए बहुत कुछ करने को लिए तैयार है। और मैं मेरी माता शक्ति और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे प्यारे माताएं बहने और भाइयों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस आंदोलन में आकर अपना सहयोग दिया है और जो मुख्य कार्यकर्ता है उनका सहयोग बढ़ाया है। मैं खट्टर टोल प्लाजा के ऊपर दो लाइनें कहूंगी, आप उनको सुनिए। इस खट्टर टोल प्लाजा की खटक उस मोदी के मन में बिठानी है। इस खट्टर टोल प्लाजा की खटक उस मोदी के मन में बिठानी है। राष्ट्र किसान मजदूर एकता का उसकी आर करवानी है। किसान मजदूर एकता का उसकी आर करवानी है। मोदी के ग्यारदा नो ग्यारदा पे मैंने विकास कराया है। हाँ मैंने उसने विकास कराया है, उसने विकास कराया है, लेकिन उसने विकास सिर्फ अपना कराया है। किसी आम जनता का विकास कौन कराया है? सिर्फ अपना विकास कराया है। आम जनता का नाश करता हूँ भी अपना विकास कराया है। इसका विकास का कुछ करना नहीं होता जो अपना नाश कर और किसी का नाश करता हुआ है। इसलिए मैं नो कहना चाहूंगी, किसी का विकास करना है तो किसी का नाश ना करो। और मोदी भारतीय किसान आज का टाइम पर कुछ नहीं समझ रहा, उन्हें सिर्फ कठपुतली समझ रहा है कि यहाँ मेरे हाथ की कठपुतली है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, वो बिल्कुल समर्थक है और समर्थक होकर कार्य करता है और समर्थक होकर कार्य करता रहेगा। मैं बताना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी की जो सोचता है कि ये आम जनता उसके कहने पर चलेगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। और जो कुछ सरकारी कर्मचारी है और कुछ मजदूर भाई है वो सोचते हैं कि ये जो आंदोलन है ये केवल किसानों का आंदोलन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये आंदोलन हर एक उस सरकारी अधिकारी का है, हर एक उस मजदूर भाई का है जिन्होंने देश में जीना सीखा है। किसान देश हो सकती है जिसके आधार पर ये पूरा देश चलता है। अगर किसान काम नहीं कर पाएगा ना तो ये देश का विकास किसी भी तरह नहीं हो पाएगा। किसान भारत माता के पुत्र है जिन्होंने देश का पूरी तरह से विकास किया है और इसके ऊपर ये सारा देश निर्भर रहता है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए दो नारे लगाऊंगी, पूरी ऊंची आवाज में बोलना जिससे कि संसद में बैठे लोगों को भी पता चले कि खट्टर के टोल प्लाजा में कुछ हो रहा है और उन्हें भी यह लगे कि कोई तूफान हमारे पास आने वाला है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।